कल बंगाल चुनाव का रिजल्ट आया, जिसमें टीएमसी यानी ममता दीदी की पार्टी ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की। 200 से ज्यादा सीटें टीएमसी को मिली, वहीं बीजेपी 80 से नीचे ही रही। उम्मीदें थी इस बार बीजेपी की बंगाल में सरकार बनाने की, मगर बीजेपी सरकार बनाने में असमर्थ रही और टीएमसी की सरकार फिर से बंगाल में बन गई। जब से टीएमसी की सरकार बंगाल में दोबारा आई है, बंगाल में फिर से वही गुंडागर्दी, दादागिरी और लोगों को धमकाने का दौर शुरू हो गया है। कल से ही ट्विटर पर अलग अलग तरह के वीडियोस आ रहे हैं बंगाल से, जिसमें देखा जा रहा है कि टीएमसी समर्थक किस तरह से बीजेपी समर्थक के घर तोड़ रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उन्हें धमकी दे रहे हैं, उनके दुकानों को लूट रहे हैं। और कल तो बीजेपी का एक हेडक्वार्टर भी बंगाल में जला दिया गया। कई तरह के वीडियो ट्विटर पर कल से ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि टीएमसी समर्थक झुंड बनाकर बीजेपी समर्थक के घरों में घुस रहे हैं, उनकी दुकानों को लूट रहे हैं, उन्हें पीट रहे हैं और खबर ये भी आ रही है कि कई लोगों की कल से आज तक हत्या भी कर दी गई है, जिसकी संभावना पहले से ही जताई जा रही थी। क्योंकि बंगाल का इतिहास रहा है, वहाँ टीएमसी हो या सीपीएम की सरकार हो, दोनों ही सरकार का एक लाल या खूनी इतिहास कह सकते हैं। वहाँ राजनीति करने के लिए आपको गुंडागर्दी का सहारा हमेशा से वहाँ की सरकारें लेती रही हैं और इसी डर के माहौल में लोग खुलकर वोटिंग नहीं करते हैं और इसी का परिणाम है कि लोगों ने बिना डरे वोट नहीं किया और जिसका परिणाम आज बंगाल की आम जनता भुगत रही है। सड़कों पे आप देख रहे हैं किस तरीके से टीम के समर्थक बीजेपी समर्थकों की दुकानें लूट रहे हैं, उनका सामान लेकर भाग रहे हैं। यही सच्चाई है बंगाल की। लूटेंगे मारा मारी कल लोग।